पा रहे हो कि आपके सामने स्क्रीन पर हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर दोबारा आपके साथ जुड़ रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग M3R5 मॉड्यूल्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस क्लास में। उस चैप्टर का नाम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ेंगे और इसको हमने बताया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम है ना, इसे हमें पढ़ना होगा। तो आपको पता होगा कि एल्गोरिदम में हमने बताया था, एल्गोरिदम में कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसी को हम टाइप बोल सकते हैं। एल्गोरिदम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एल्गोरिदम 3 प्रकार के होते हैं। कौन से 3, मैं उसके नाम लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला होता है सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग। सबसे पहले आपका होता है सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग। आप मेरे साथ देखते हुए चलिएगा, नोट करते चलिएगा, आप एक पेन उठा लो, कॉपी में लिखते चलो। दूसरा आपका है डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग। ये क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था, पर इसको थोड़ा सा नोट करा के फिर आगे चलते हैं। तीसरा है इटरेटिव, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेपिटेशन प्रोसेसिंग। इसका हिंदी मैंने बताया था, सिक्वेंशियल को हमेशा हम लोग अनुक्रमिक कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? अनुक्रमिक। और डिसीजन को हम लोग हमेशा निर्णय बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? निर्णय। और इटरेटिव या रेपिटेशन, नाम से पता चल रहा है, इसको हम लोग पुनरावृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पुनरावृत्ति। तो इनसे एक नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, है ना, 1 से 2 क्वेश्चंस। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग एल्गोरिदम, ठीक है। तो चलो हेडिंग लिखते हैं, सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग एल्गोरिदम के बारे में। तो नए लाइन से हम लोग हेडिंग लिखेंगे। नंबर 1 आपका सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग एल्गोरिदम, ठीक है। आप मेरे साथ लिखते चलना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सिक्वेंशियल बेस्ड एल्गोरिदम प्रोसेस का मतलब हम समझ पा रहे होंगे, किसी चीज का अनुक्रमण है ना, अनुक्रम। तो हम बोल सकते हैं हम स्टार बना के लिखेंगे। देखिए इसमें स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इसमें स्टेटमेंट को निश्चित क्रम में एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब रन किया जाता है। बोलो क्लियर हो गया? नया लाइन से, इसमें किसी भी कंडीशन, इसमें किसी भी कंडीशन स्टेप की नीड नहीं होती है, नीड नहीं होता है। नया लाइन से, यह स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट का मतलब सीधी लाइन,
स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, तो सब मिला के 3 पॉइंट हमने मेंशन किया है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा, मान लेते हैं डिजाइन एंड एल्गोरिदम। देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, चलो इसका एग्जाम्पल देखना ध्यान से। डिजाइन एंड एल्गोरिदम, है ना, एल्गो का मतलब एल्गोरिदम, एंड फ्लो चार्ट, एंड फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर एंड द सम ऑफ नंबर इज गिवन। देखो एक प्रश्न हमने लिखा, डिजाइन एन एल्गो एंड फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर, छह नंबर है जिनका औसत निकालना है और उसमें सम गिवन है ना, सम नंबर क्या है दिया गया है। अब इसका सबसे पहले हम एल्गो लिखेंगे, तो देखो मैं दो पार्ट में कर ले रहा हूं, एक तरफ हम लोग एल्गो देखेंगे और एक तरफ हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। ठीक है, एक तरफ हम एल्गो देखेंगे और एक तरफ हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट क्या उठाएंगे, स्टेप फर्स्ट में हम उठाएंगे स्टार्ट। कभी भी कोई एल्गो हम चालू करते हैं और समाप्त करते हैं, ये हमने कल बताया था, तो स्टार्ट कर लें। स्टेप नंबर टू में हम लिखेंगे गेट द सम, जो सम दिया हुआ है हम उस सम को लिख लें, गेट द सम, सम को हम लिख लेंगे। स्टेप नंबर थ्री कहता है, स्टेप नंबर थ्री कहता है कि जो एवरेज निकाला जाता है, एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम बटे कुल संख्या का योग। तो कुल संख्या कितने हैं, सॉरी बटे सम, सम बटे संख्याओं की संख्या, या उसे हम बोलते हैं कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, हम एवरेज का फॉर्मूला जानते होंगे। अच्छा, अब फिर हम लोग स्टेप नंबर फोर में क्या करेंगे, अब जो वैल्यू आएगा तो हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एवरेज, ये जो एवरेज निकल गया इसी को प्रिंट कर लेंगे, और स्टेप नंबर फाइव में हम अपने एल्गो को स्टॉप कर देंगे। तो देखो ये जो एल्गो आप देख पा रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये एल्गो एक सिक्वेंशियल एल्गो है, मतलब एक सिक्वेंस से फॉलो किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कंडीशन स्टेप नहीं रखा गया है, सिंपल स्टेप रखे गए हैं और स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रेट लाइन में ये चलेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब यहां किसी प्रकार का कंडीशन नहीं होगा। तो चलो मैं आपको फ्लो चार्ट इसका बना के दिखा दे रहा हूं। जब भी हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो आपने कहा था स्टार्ट हमेशा एक टर्मिनल होता है या ओवल होता है, ओवल। देखो ये आपका एक टर्मिनल है जहां पे हमने लिखा स्टार्ट, हमने स्टार्ट कर दिया। अब हमने कहा था जो इनपुट होता है, देखो ये इनपुट पोजिशन है, इनपुट, और ये आपका देखो प्रोसेस है, ये समझ रहे हो ना, कल पढ़ाए थे, और ये आपका देखो क्या है, आउटपुट है। तो जो भी इनपुट लिखते हैं तो इनपुट हम लिखते हैं पैरेललोग्राम में, कहां लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज में। तो यहां पे हमने देखो क्या कर दिया, इनपुट में मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर देंगे, गेट द सम, या हम लिख देंगे रीड द सम, हम सम को लिख लेंगे, चाहे गेट द सम लिख लो चाहे रीड द सम लिख लो। अब इसके बाद हमें चूंकि प्रोसेस करना है तो प्रोसेस एक रेक्टेंगल से होगा, ये एरो लगा देना, ये रेक्टेंगल देखो हमने ले लिया, इसमें हम प्रोसेस में क्या लिखेंगे, लिखेंगे एवरेज इक्वल टू, एवरेज इक्वल टू ये क्या लिखा गया, सम बटे सिक्स, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, अब इसके बाद जो आएगा वो आउटपुट होगा, तो आउटपुट हमेशा कहां लिखा जाएगा, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज समझ रहे हो ना, तो हम लिखेंगे प्रिंट, है ना, एवरेज, हम लिखेंगे प्रिंट एवरेज। यह हम लिखेंगे राइट एवरेज, ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, थोड़ा सा इस एरिया को मैं बड़ा लिख दूं, है ना, दिखने में अच्छा रहे। चलो देखो हमने इसको बड़ा कर लिया और हमने इसमें क्या लिख दिया भैया, अब जो एवरेज आया इसी को हम प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट का मतलब क्या होता है, राइट या प्रिंट उसे लिख सकते हो, हम लिखेंगे प्रिंट एवरेज, ए वी ई, है ना, ए एवरेज।
और फिर हम कर देंगे स्टॉप, स्टॉप हमेशा फिर ओवल से कर देंगे, ये स्टॉप हो गया। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज का एल्गो है और इसी चीज का हमने क्या बना दिया बोलो, फ्लो चार्ट बना दिया है। तो समझ में आ गया ना। तो इसे हम लोग कहते हैं सिक्वेंस बेस्ड प्रोसेसिंग, इसे हम सिक्वेंस बेस में डिस्कस करते हैं। अच्छा, सिक्वेंस बेस का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अगर एक एग्जाम्पल और देखना हो तो चलो एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए। इस एग्जाम्पल में देखो क्या बोला गया है, दो संख्या को जोड़ना फॉर एडिंग टू नंबर। देखो हमने लिखा है राइट एन एल्गो एंड ड्रा फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट टू एड टू नंबर, दो नंबर को जोड़ना, उसका हम एल्गो भी बनाएंगे और फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। तो चलो हम उसका एल्गो इधर लिखेंगे और फ्लो चार्ट हम यहां बनाएंगे, ठीक है। इस सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग एल्गो है, सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग एल्गो। तो इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। तो सबसे पहले हम स्टेप क्या लेंगे, स्टेप फर्स्ट आपने कहा था, कभी भी स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसके बाद हम स्टेप नंबर टू लिखेंगे, स्टेप नंबर टू क्या होता है बोलो। अब हम यहाँ पे दो है ना, क्योंकि हमें सम करना है तो हम लिखेंगे इनपुट या रीड ए बी और सम, ये तीन वेरिएबल हमने ले लिया, ए बी और सम नाम के तीन वेरिएबल हमने ले लिया। अब इसके बाद फिर हम स्टेप नंबर थ्री में क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर थ्री में हम लिखेंगे सम जो होगा इसमें, स्टेप नंबर थ्री में लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी को हम जोड़ लेंगे। फिर स्टेप नंबर फोर में हम क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे राइट कर देंगे, रीड के रीड का मतलब होता है इनपुट और राइट का मतलब होता है आउटपुट, हम राइट कर देंगे राइट सम, और शायद यही हमारा क्या हो जाएगा स्टेप फाइव में स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे लिखने का एक एल्गो है। अब इसे चलो फ्लो चार्ट में बनाओगे तो ध्यान देना, जब भी स्टार्ट होता है तो ओवल से इनपुट हमेशा, ये देखो ये इनपुट है, ये प्रोसेस है, ये आपका क्या है, ये आउटपुट है। तो अब जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक टर्मिनल लेते हैं या ओवल लेते हैं। तो हम देखो यहाँ पे लिख दिए स्टार्ट, एक टर्मिनल सिंबल है। फिर एक हम फ्लो लाइन बनाएंगे ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं की तरफ। अब हम समांतर चतुर्भुज लेंगे क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं, हम यहाँ क्या लिखते हैं, हम रीड क्या ले रहे हैं, तीन वेरिएबल ए बी और सम हमने रीड कर लिया। अब रीड के बाद चूंकि हमें प्रोसेस करना है तो हम एक आयत लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, और रेक्टेंगल देखो ऐसे क्या होगा, रेक्टेंगल में हम लिखेंगे सम में जो होगा ए और बी जुड़ जाएंगे, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट दिखाना होगा। तो फिर हमें समांतर चतुर्भुज लेना होगा क्योंकि आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बोलो, राइट या प्रिंट क्या लिख सकते हैं, सम, ये सम की वैल्यू आ जाएगी, और फाइनली हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो देखो हमने इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ये आपका क्या होगा भैया, ये फ्लो चार्ट हो गया। तो इस तरह से हमने, बस दो उदाहरण बहुत है, बाकी मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा। तो पहला हमने डन कर लिया, कौन सा हमने डन कर लिया, सिक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग है ना, किस तरह से हम काम करते हैं। अब आइए हेडिंग लिखते हैं डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग। अब दूसरा हमारा जो एल्गो का टाइप होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर का, वो आपका है डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग एल्गोरिदम, ठीक है, डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग एल्गोरिदम, इसका मतलब है निर्णय। डिसीजन का मतलब निर्णय है ना, निर्णय कैसे हम करते हैं, तो डिसीजन लेना पड़ता है किसी निर्णय को लेने के लिए। तो इसमें हम लोग मेंशन कर लेते हैं, पहले छोटी सी बातें लिख लेते हैं, हम इसमें लिखेंगे चलो हम इसमें लिखेंगे यह डिसाइड, यह डिसीजन बेस्ड एल्गो है जिसमें यह तय किया जाता है, यह तय किया जाता है
कौन सा कंडीशन टेस्ट के आधार पर किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये डिसीजन होता है, इसका मतलब ध्यान रखना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन डिफाइन करते हैं ना, डिसीजन होता है, सिलेक्शन, डिसीजन, डिसीजन बेस्ड एल्गो है जिसमें यह तय किया जाता है कि कौन सा कंडीशन टेस्ट के आधार पर, एक टेस्ट होगा उसके आधार पर वो किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। देखो इस तरह से, जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहूं, ध्यान देना, जैसे आपने कहा था कि सर एक इस तरह का सिंबल आपने पढ़ा था फ्लो चार्ट में, इसे हम लोग डायमंड सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड, है ना, डायमंड सिंबल इसका नाम है। तो इसमें हमेशा आपने कहा था सर दो फ्लो लाइन होती है, हमेशा दो फ्लो लाइन, या तो देखो फ्लो लाइन यहां से आएगा या तो एक फ्लो लाइन यहां से आएगा। अब ध्यान रखना, इसमें हम कंडीशन लिखेंगे, यहां पे कंडीशन लिखा जाएगा, इस बीच में एक कंडीशन लिखा जाएगा, और कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ए वाला जो टास्क होगा, जैसे मान लो यहाँ कुछ स्टेटमेंट होगा, कुछ टास्क होगा, तो ये टास्क रन करेगा, और यहाँ अगर फॉल्स हो गया, देखो फॉल्स हो गया, तो इस तरह का यहाँ टास्क होगा जिसका नाम होगा टास्क बी। तो इसका मतलब अब ध्यान रखना, यहां से और यहां से ये आके ऐसे मिल जाएगा, और यहां पे आपका क्या रहेगा, यहां पे आके आपका स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया, ध्यान रखना, ये आपका यहाँ स्टॉप हो जाएगा। अब यहां आप समझ सकते हो कि ट्रू होने पे ये टास्क वन एग्जीक्यूट होगा और टास्क बी होगा। तो इसका मतलब हम यहां नोट में लिख सकते हैं, साइड में हम लिख सकते हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर मान लो इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर मान लो कंडीशन ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो क्या होगा, देन डू टास्क ए, देन एग्जीक्यूट टास्क ए, तब तो आपका टास्क ए एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये पहला हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे हम लोग एल्स बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ, एक ट्रू ना हो, एक कंडीशन ट्रू ना हो, तो क्या होगा, तो फिर एल्स में हो जाएगा डू टास्क बी, तो हम बोलेंगे देन एग्जीक्यूट टास्क बी, इसका मतलब तब टास्क बी रन कर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशन टेक्स्ट के आधार पर किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, इसी को हम लोग डिसीजन बेस्ड बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? डिसीजन बेस्ड बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए आगे बढ़े ना। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, चलिए इसका एक एल्गो लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस पे किस तरह का क्वेश्चन आएगा। चलो एक क्वेश्चन हम लिख के आपको दिखाते हैं। अगर आपसे पूछा गया एन एल्गो टू कैलकुलेट कैलकुलेट फॉर फाइंडिंग ग्रेटर वैल्यू बिटवीन टू इंटीजर वैल्यू, देखो ये आ गया, राइट एन एल्गो एंड ड्रा फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग ग्रेटर वैल्यू बिटवीन टू इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब दो इंटीजर वैल्यू आपको दिए हो, दो संख्या दी हो, जिसमें से हम क्या करें, ग्रेटर वैल्यू को निकालें, है ना। ये पूछ रहा है कि मान लीजिए आपको दो वैल्यू दिए गए हो और उसमें, है ना, उन दोनों के बीच में बड़ी वैल्यू कौन है, इसको ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे। तो चलो इसका मैं यहाँ पे एक तरफ एल्गो दिखाता हूं आपको और एक तरफ इसका हम फ्लो चार्ट दिखाते हैं, ठीक। और ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा डिसीजन प्रोसेसिंग एल्गोरिदम है ये, ठीक है। एक कैसा एल्गोरिदम है, तो हम बोलते हैं सर ये डिसीजन, ध्यान रखना, डिसीजन बेस्ड
जो भी हमने ऊपर पढ़ाया है, प्रोसेसिंग एल्गो है, प्रोसेसिंग एल्गो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे काम होगा। तो हम इस पे क्या करेंगे, देखो हम इस पे स्टेप फर्स्ट लेंगे। स्टेप फर्स्ट हम क्या लेंगे, सबसे पहले आपने कहा था स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट कर लिया। स्टेप टू क्या लेंगे हम इसमें दो वैल्यू रीड कराएंगे, रीड ए एंड बी, दो वैल्यू हमने रीड करा लिया। स्टेप नंबर थ्री क्या होगा, हम इसमें डिसीजन देंगे। क्या डिसीजन देंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, ए कंडीशन, देन अगर ऐसा हुआ देन क्या करेंगे, राइट चलिए, है ना। अगर ये देखो, इफ ए ग्रेटर देन बी देन, अगर ऐसा हुआ तो देन हम क्या करेंगे, देन राइट ग्रेटर वैल्यू इज ए, देन राइट ग्रेटर वैल्यू इज ए, वैल्यू बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स राइट ग्रेटर वैल्यू इज बी, ठीक है। इसके बाद देखो स्टेप नंबर हम फोर क्या लिखेंगे, स्टॉप या एंड कर देंगे। तो यही आपका है ना। अब इसको देखो हम फ्लो चार्ट पे कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लिखेंगे, तो स्टार्ट हमेशा किस पे लिखते हैं, देखो ओवल पर, टर्मिनल पर। तो स्टार्ट हो गया, ए क्या है, ये आपका इनपुट है, इधर इतनी वैल्यू क्या है, तो ये इतनी वैल्यू जो है एक कंडीशन है, डिसीजन है, इसी को डिसीजन कहा गया है। देखो डिसीजन वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनपुट करा लेंगे। तो इनपुट हम किस पे कराएंगे बोलो, समांतर चतुर्भुज पे, याद है ना। तो हम बोलेंगे यहां क्या इनपुट कराएंगे, रीड ए बी, दो वैल्यू को हमने रीड करा लिया। अब हमें डिसीजन देना है, तो अब हम डिसीजन दे रहे हैं जब, तो हम क्या यूज करेंगे बोलो, हम डायमंड यूज करेंगे। देखो डायमंड का सिंबल ऐसे बन गया, बन गया। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी, यही लिखना है। अब यहां से दो वैल्यू देखो निकल के आएंगे, क्या दो वैल्यू आएंगे, या तो ये ट्रू होगा या तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, यही तो होगा। पर दोनों से जो भी मिलेगा वो आउटपुट होगा ना, तो आउटपुट हमेशा कहां लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा बोलो। तो अगर देखो, अगर ये ट्रू हुआ तो बड़ा कौन हो जाएगा, तो बड़ा ए हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे राइट ए। और अगर ये फॉल्स हुआ तो बड़ा कौन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे राइट बी, ठीक है। और यहां से देखो, यहां से हम लिखेंगे स्टॉप, स्टॉप हो गया, और ये आके इसी स्टॉप पे मिल जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। देखो ये ओवल हो गया, ये आके इसमें मिल गया। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब अगर यहां पे ये ट्रू हुआ तो ट्रू मतलब ए, राइट ए प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो राइट बी प्रेस हो जाएगा, और दोनों आके स्टॉप पे रुक जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन बेस्ड, है ना, क्या बोलते हैं, डिसीजन बेस्ड। तो चलो आज बस इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे, है ना। आज आपके क्लास में बस इतना ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। जो बच रहा तीसरा वाला, उसे कल कराएंगे।